हरिओम। हरिओम। आप सभी आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरी रुचि रखने वाले साधकों का जैन योगा प्राथमिक कोर्स के तहत व्याख्यान क्रमांक 7 में मैं डॉक्टर रामरानी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने जैन योगा किताब की शुरुआत की है, इसमें हम लोग ने विषय परिचय पे हम चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन पे। तो विषय परिचय में हमने देखा कि सबसे बड़ी प्रमुख समस्या क्या है आध्यात्मिक क्षेत्र में। जब प्रत्यक्षी आगे बढ़ता है तो सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्षेत्र की समस्या क्या है उसके बारे में हमको डॉक्टर सैयर जी बताते हैं। उसके बाद वो समस्या को जब हम डील करते हैं तो कैसे हमारे मन की संवेदनशीलता में वृद्धि होती है उसके बारे में वर्णन किया इससे पहले के व्याख्यान में हमने। और उसके बाद हमको दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डॉक्टर सैयर जी ने बताया, दो टर्म्स जो कि जुड़वा टर्म्स हैं, जुड़वा जो एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं। और एक है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक है बड़े वी के साथ वासना एक वचन, और एक है छोटे वी के साथ वासनास यानी बहुवचन, उसके बारे में हमने चर्चा की। तो अभी और कुछ नए नए टर्म्स हमको इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन चैप्टर में डॉक्टर सैयर जी बताएंगे, उसी के बारे में हम लोग आज यात्रा शुरू करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म इसके बाद आता है वासना, इसके बाद वो आता है साइकिक टेम्पेस्ट, इसको कहते हैं मानसिक तूफान या मानसिक आंधी। और इससे हर एक आध्यात्मिक प्रत्याशी जो इस क्षेत्र में जा रहा है आगे अपने लक्ष्य तक, कौन सा लक्ष्य है हमारा भाई, CCS क्रिटिकल सर्टन स्टेज तक जाने के टाइम पे कहीं ना कहीं पे उसको इसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। जैसे अर्जुन को गुजरना पड़ा था उस युद्ध क्षेत्र में, है ना, जब उनको सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया, गीता के 18 अध्याय दिए, तब उन्होंने उसे उस मानसिक झंझावात यानी मानसिक तूफान जिसको कहते हैं साइकिक टेम्पेस्ट से उनको उन्होंने क्या किया, बाहर निकाला, और फिर अर्जुन फिर से अपना युद्ध करने के लिए तैयार होगा। तो ऐसा डिप्रेशन का फेस जिसको कहते हैं मानसिक झंझावात या मानसिक तूफान हर एक के जीवन में आता है, लेकिन उस दौरान पे हमको धैर्य रखने की क्या है आवश्यकता होती है। तो ये मानसिक जो तूफान होता है, आंधी होती है, वो हमारे जीवन में उसका उपचारात्मक वैल्यू है, यानी वो उपचार के रूप में आता है। यानी इस दौरान पे जब हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो कभी ना कभी कुछ डिप्रेसिव फेस आते हैं ना, तो उस डिप्रेशन के फेस से निकालने के लिए अगर कुछ चीज काम करती हो तो उसको तो कहेंगे भाई ये आपका उपचार हुआ उससे, तो इसका उपचारात्मक वैल्यू होता है, मूल्य होता है। शेक्सपियर के द्वारा, एक शेक्सपियर जो ऑथर हैं उनके द्वारा टेम्पेस्ट शब्द का इस्तेमाल करने का वास्तविक अर्थ यही था जो उन्होंने अपने सबसे गूढ़ नाटक का शीर्ष रखा था, है ना, गूढ़ सबसे गूढ़ जो रहस्यमय नाटक उन्होंने रखा था ना, उसका शीर्षक ही उन्होंने यही रखा था, क्या, टेम्पेस्ट, जिसको डॉक्टर सैयद जी यूज करते हैं साइकिक टेम्पेस्ट। और टेम्पेस्ट का मतलब होता है यही आंधी या तो तूफान। बिना आंधी के हमारा मन क्या होता है, निष्क्रिय रहता है, और इसलिए वो गहरी रुचि के द्वारा गहराई से मंथित नहीं हो सकता। अगर आपके आपके मन में आंधी या तूफान ना आए तो क्या रहता है, आपका मन एक ही डायरेक्शन में सोचता है, इसलिए वो क्या होता है, निष्क्रिय रहता है। और निष्क्रिय रहता है इसको इसलिए वो गहरी अनुभूतियां नहीं आती है, और गहरी अनुभूतियां नहीं आती है तो हमें क्या होती है, गहरी रुचि निर्माण होती नहीं है। तो मानसिक जैसे ही तूफान से गुजरेंगे तो अपने आप गहरी रुचि का निर्माण हो जाता है, इसलिए उसका थेरेप्यूटिक वैल्यू है, इसलिए उसका क्या है, उपचारात्मक वैल्यू होता है। जर्मन शब्द बेबेन, अब डॉक्टर सैयर जी खुद जर्मनी में रहे हैं तो वो जर्मनी के कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि बेबेन शब्द जो होता है उसका मतलब होता है समुद्री तूफान या तो भूकंप, जिसको कहते हैं स्टॉर्म, इंग्लिश में क्या कहते हैं भूकंप को, स्टॉर्म, यानी समुद्र में ऐसा तूफान आ गया, भूकंप आ गया, जो कि इंडो यूरोपियन शब्द विप्र, ये इंडो यूरोपियन शब्द है विप्र, उससे उत्पन्न हुआ था, अर्थात वो जो स्वयं को भीतर से मथ चुका है, यानी जो अंदर से खुद को क्या होता है, अपने आप में सर्जरी, मन की क्या कर दिया उसने, सर्जरी कर दी है, और उसी यानी हर एक उसी को कहते हैं एक संत या तो एक ऋषि। तो ऋषि लोग जो होते हैं, जो महान संत बनते हैं, वो ऐसे ही नहीं बनते हैं, वो सभी इस फेज से क्या करके हैं, गुजर चुके हैं। भगवान गौतम बुद्ध हो, नानक हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, सभी के फेस, राम भगवान के नाम के जीवन में भी कहते हैं कि वो भी डिप्रेशन के फेस से
गुजरे थे, भगवान श्री कृष्ण कोई भी हो, सबको इस फेस से गुजरना पड़ता है। और वो जो तूफान, जो स्टॉर्म आता है ना, वो उनके क्या होता है, मन को एकदम साफ कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मानसिक तूफान है, ये जो साइकिक टेम्पेस्ट है, ध्यान देखना, डॉक्टर सैयर जी बिल्कुल एक स्पेशल वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि ये कोई हनीमून मनाने जैसा नहीं है। भाई आप हनीमून मनाने गए शादी के बाद, नहीं नहीं, ये बहुत ही अलग चीज है। जो इसमें फंसा होता है उसे कोई विशेष सहारा ढूंढ लेना चाहिए जो इससे उससे बाहर निकालने में क्या करे, मदद करे। ऐसे ही जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बने विशेष सहारा, किसका, अर्जुन का, और उन्होंने वो गीता के 18 अध्याय उनको एक्सप्लेनेशन दिया, तो उससे उस तूफान से उनको क्या किया, उन्होंने बाहर निकाला। इसी तरह से 3 बार मैं भी अपने जिंदगी में इस तूफान से गुजर चुका हूँ। पहली बार जब 3rd MBBS का एग्जाम दे रहा था, तभी जब एग्जाम का टेंशन आया तो इसी मानसिक झंझावात से गुजरा, डिप्रेशन में गया, और फिर यानी कुछ न कुछ सहारा मिलता है। तो मुझे उस समय मिला था साईं भजनों का सहारा, जिसे सुन सुन के मैंने उसको निकाला। धीरज रख वो रहमत की बरसा बरखा भी देगा, है ना, जिस साईं ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। तो इस भजन को जब मैं सुनता था तो इस डिप्रेशन के फेज से क्या हो गया, बाहर निकला। उसी दौरान 2011 में भी इसी प्रकार का मानसिक झंझावात दूसरा टाइम आया था। पहले बार निकलने मिले 3-4 महीने लगे थे, एग्जाम हो गया, पास हो गया तो उससे निकल आया। दूसरी बार फिर निकलने के लिए और कुछ महीने लगे, लेकिन उससे निकला बिना किसी एंटी डिप्रेशन की गोलियां लिए। और तीसरा मानसिक झंझावात अभी आया जब हम लोग ये किताब रिलीज करने वाले थे, तो उस समय भी क्या होता है कि मन में इतने विचार चलते हैं ना, तो वो तूफान उठता है कि कैसे हम इसको मुंह देंगे, तो उससे आदमी थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से मानसिक झंझावात आए तो उसको एक अच्छी निशानी माने, उससे घबराएं नहीं, लेकिन उस समय पे कोई ना कोई सहारा चाहिए। तो पहले टाइम कौन सा सहारा मिला था, साईं भजन। दूसरे टाइम कौन सा सहारा मिला था, गीता के श्लोक, पूरा गीता के 18 अध्याय। और तीसरी बार सहारा तो चल ही रहा है, जैन योगा का सहारा है, डॉक्टर सैयर जी का, डॉक्टर आशीष शुक्ला का सहारा है, जिसके वजह से इससे ऑटोमेटिकली आदमी निकल आता है। थोड़ी देर में अगर आप धैर्य रखें ना, तो थोड़ी देर में ये आंधी क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। पहले इसको 3-4 महीना लगा था, दूसरे टाइम में 2 महीना लगा था, और अभी कुछ 5-7 दिनों के अंदर ही क्या हो गई, आंधी शांत हो गई। और जिससे क्या होता है, इससे फायदा क्या होता है कि आपके वासना का क्या होता है, रूपांतरण होता है। वासना यानी जो आपकी आदतें हैं ना, जो आपको बताया था, वासना यानी क्या, हमारी प्रवृत्तियां, हमारी आदतें, वो क्या हो जाती है, उनका रूपांतरण हो जाता है, यानी वे क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, परिशुद्ध हो जाती है, जिससे हमारी आगे प्रगति होती है। इससे एक नया दृष्टिकोण निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली गहरी रुचि जागृत हो जाती है। तो गहरी रुचि निर्माण करनी है तो आपको इस मानसिक झंझावात से गुजरना पड़ेगा और मन में धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आप उससे निकल पाओगे। जीवन को चुनौती के रूप में स्वीकार है, डॉक्टर सैयर जी क्लियरली बता रहे कि ऐसे ही इसे चुपचाप अंदर निष्क्रिय बन के मत बैठो। ये अगर जीवन में चुनौती आई है या आपको फेस से गुजर रहे हैं तो इसको चुनौती के रूप में स्वीकारें। इसलिए ऐसे क्षणों में सतर्कता और जागरूकता रखने की बहुत ही जरूरत होती है। अपने मन में जो चल रहे उथल पुथल जो चल रही है ना, उसके प्रति क्या हो जाओ, सतर्क हो जाओ। देखो ये किस प्रकार से उथल पुथल चल रही है और कैसे वो उथल पुथल अपने आप क्या हो रही है, शांत भी हो रही है, तो उससे आप निकल पाओगे। इस तूफान का सामना करने के लिए बहुत ही क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, जो सब में होती नहीं है ना। हिम्मत रखोगे, धैर्य रखोगे, सतर्क रहोगे, जागरूक रहोगे, तो इससे निकल ही आओगे, कोई आपको इससे रोक नहीं सकता है। जब अकेले में व्यक्ति इसका सामना करता है बिना प्रतिक्रिया किए, तो ये उसका क्या करती है, मानसिक रूपांतरण कर देती है। इस समय पे अकेले कोई सपोर्ट मिले वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको किसी दूसरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। एक कोई किताब आपको सपोर्ट मिलता है या कोई चीज मिलती है जिसमें आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसी के साथ रहें। ज्यादा बाहर ढूंढने की कोशिश न करें, मल्टीपल सहारे ढूंढने की कोशिश न करें, बिकॉज अलग अलग सहारा ढूंढोगे तो अलग अलग आपको मार्गदर्शन मिलेगा, जिसमें आपका भटकाव हो सकता है कि किस मार्ग को मैं अपनाऊं। तो एक ही सहारा ढूंढ लो और उसी के साथ जुड़े रहो, तो इससे अवश्य ही निकल आओगे। आंधी के पश्चात के भविष्य को ध्यान से देखो तो वो अकथित आध्यात्मिक संभावनाओं से भरपूर दिखाई देगा। जब ये आंधी, ये तूफान शांत हो जाएगा ना, तो फिर आपकी जो आध्यात्मिक संभावना है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका इस क्षेत्र में प्रगति क्या हो जाएगी,
धीरे धीरे और आगे आप बढ़ पाओगे, क्योंकि वो तूफान शांत हो गया और आपकी वासना क्या हो गई अभी बदल गई है। तो आपका आध्यात्मिक जो संभावनाएं आगे बढ़ने की इस क्षेत्र में, उस मार्ग पे जाने के लिए, उस मार्ग यानी उस लक्ष्य की तरफ, कौन सा लक्ष्य है अपना भाई, CCS की तरफ जो लक्ष्य है उसमें संभावना क्या बढ़ जाती है इससे। अब तीन और शब्द यानी साइकिक टेंपर समझ गए आप, मानसिक तूफान का क्या वैल्यू है उसके बारे में समझ गए हम लोग। अब और तीन नए शब्दों का बारे में यहाँ पे डॉक्टर सैयर जी बताते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इससे जुड़े हुए शब्द। उसमें तीन शब्द क्या है, एक है इवोल्यूशन, एक है रिवोल्यूशन और एक है इंस्टेंटनेस। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रमिक विकास, क्या होता है उसको बोलते हैं क्रमिक, यानी धीरे धीरे हो रहा है लेकिन निरंतर हो रहा है, उसमें कोई गैप नहीं है, है ना, सबका धीरे धीरे भगवान अपना सर जी डॉक्टर सर जी कहते हैं कि हमारे पूरे मानव जाति का क्रमिक विकास हो रहा है, यानी हर एक व्यक्ति कभी ना कभी उस अवस्था तक पहुंचने ही वाला है जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, या तो उसको कहते हैं CCS, तो वहां तक सभी पहुंचेंगे, लेकिन सभी कब पहुंचेंगे उसको करोड़ों जन्म लग सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो वो इसी जन्म में भी संभव हो सकता है अगर इन मार्गों पे चले जो इस किताब में डॉक्टर सैयर जी हमको देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इवोल्यूशन में, क्रमिक विकास में क्रियाएं क्रमिकता के सिद्धांत के अनुसार निरंतर होती रहती है, यानी ग्रेजुअली हमारा विकास उसमें होते रहता है। वास्तव में ये जो इवोल्यूशन टर्म है, हम लोग को लगता है कि थियरी ऑफ इवोल्यूशन यानी डार्विन साहब ने ये शब्द ढूंढ के निकाला था, लेकिन एक्चुअली डार्विन साहब ने ये शब्द नहीं ढूंढा था, है ना, एक फिलोसोफर थे मिस्टर कांत, उन्होंने ये शब्द का ढूंढ के निकाला था इवोल्यूशन। तो कांत साहब के अनुसार क्या है, इसे विशेष रूप से क्रमिक विकास कहा जाता है, जिसका कारण है क्योंकि कोई भी परिवर्तन जो निरंतरता से रहित हो उसे क्रांति या तो क्या कहा जाता है, रिवोल्यूशन। जो ग्रेजुअलनेस, जो निरंतरता से विकास अलग है उसको क्या कहते हैं हम लोग, भाई क्रांति हो गई, है ना, फास्ट हो गया। उसमें क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, यहां पे क्या हो रहा है, बहुत ही आपका विकास फास्ट हो जाता है, तो फास्ट विकास को क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन, उसको बोलते हैं इवोल्यूशन, इसको कहते हैं और रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन क्या होता है, जैसे आजकल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, IT रिवोल्यूशन है, है ना, वो ऐसे प्रकार के रिवोल्यूशन को जिसमें बहुत ही फास्ट आपकी प्रगति होती है उसको कहते हैं रिवोल्यूशन। मगर आध्यात्मिक जीवन जीव का एक पूरी तरह से नया आयाम है, इसलिए ये क्रमिक विकास का सिद्धांत नहीं है और न ही क्रांतियों का विषय है। न तो ये क्रमिक विकास का विकास होता है और न ही क्रांतियों, लेकिन एक्चुअली दोनों होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो खाली क्रमिक विकास भी नहीं है और खाली क्रांतियां भी नहीं है, ये कुछ अलग है, लेकिन ये क्या होता है, तत्क्षणतम यानी इंस्टेंटलेस होता है, इमीडिएटली एक झटके में हो जाता है ऐसा, इसलिए इसको कहते हैं इंस्टेंटनेस यानी तत्क्षणता। तो वो क्या है देखेंगे, यह तत्क्षणता कब आती है, उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था में यानी इसको कहते हैं CCS में संभव बन पाती है। यानी अगर आपका जर्नी आपने शुरू किया है ना, तो आपको मालूम है CCS कहां पे, आपका खंड एक मन का और खंड दो अ, उसके बाद CCS आता है, फिर मानव रहित है ना क्षेत्र जिसको कहते हैं नो मैन्स लैंड, और फिर आता है खंड दो ब। तो जो खंड एक से आप जर्नी शुरू करते हो खंड दो अ तक यानी नो मैन्स लैंड के बॉर्डर तक, यहां पे CCS आता है, वहां तक आपका क्या होता है, क्रमिक विकास होता है। लेकिन वो CCS में क्या होता है, ये क्रमिक विकास अब क्या करता है, क्रांतिकारी रूप धारण कर लेता है और वो ऐसा इंस्टेंटली क्या हो जाता है, आप खंड दो अ से खंड दो ब में चले जाते हो। इसलिए वो क्योंकि इंस्टेंटली होता है, यानी आपकी इनलाइटमेंट का जो क्षण है ना वो इंस्टेंटली होता है। भगवान बुद्ध को जो हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे और कहा जब तक मुझे वो हासिल नहीं होता मैं यहां से कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, और उसी रात उनको क्या हो गया, उद्बोधन यानी उनको वो क्षण हासिल हो गया जिसको कहते हैं CCS। तो वो क्या हुआ, इंस्टेंटली हुआ यानी तत्क्षण हुआ, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं उसको, तत्क्षण कहते हैं। तो CCS वो मिट्टी प्रदान करती है जिसमें आध्यात्मिक पौधे की वृद्धि हो सकती है। CCS में मन मानसिक रूपांतर के बिंदु पर तैयार होता है, यानी कहां पे, कहां से कहां जाने तक, खंड एक से उच्चतर खंडों में, खंड दो ब, पहले खंड दो ब में जाएगा, फिर खंड तीन और फिर खंड चार, यानी रूपांतरण उसका वो एक पॉइंट है जहां से हमारा रूपांतर उच्च खंडों में
होता है। इस रूपांतर के क्षण में आध्यात्मिक रूपांतर का क्रमिक विकास क्या हो जाता है, अभी रुक जाता है, क्योंकि जो स्लो चल रहा था सीसीए तक, हम सीसीए से समझो ऐसा टॉर्टाइज की जैसे चल रहे थे, लेकिन सडनली फिर क्या होता है, खरगोश बन जाते हैं और फास्ट हम लोग का क्या हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है। तो वहां तक क्रमिक विकास था, अब वो वहां पे रुकता है और वो क्रांतिकारी रूप ले लेता है, क्योंकि ये अचानक बदलाव की रहस्यपूर्ण घटना तुरंत होती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, तत्क्षणता यानी इंस्टेंटनेस ये नाम रखा है। तो समझ में आई आपको बात, तीन चीजें, इवोल्यूशन, रिवोल्यूशन और इंस्टेंटनेस। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में सीसीएस तक इवोल्यूशन, सीसीएस के क्षण में रिवोल्यूशन, और फिर उसको क्योंकि इमीडिएटली हो जाता है इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंस्टेंटली आदमी रूपांतरण हो जाता है और सडनली वो कहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं और मैं तो कुछ अलग ही चीज हूं। यानी जो भगवान बुद्ध को एक्सपीरियंस हुआ था, जो कि लाइव 2500 साल पहले ही वो घटना घटी है, कोई ज्यादा दूर की घटना नहीं है, और जो भगवान श्री कृष्ण, राम भगवान, नानक जी को, सबको, जो भी संत महात्मा ऋषि हो चुके हैं, वो सब इन सीसीएस से फेस से गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे तीन शब्द आपने देख लिए, साइकिक टेम्पेस देख लिया, इवोल्यूशन, रिवोल्यूशन और इंस्टेंटनेस यहाँ पे हम लोग ने पूरा किया। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, डॉक्टर सहर जी कहते हैं कि आपके मार्ग पे, जिस मार्ग पे आपको चलना है और कहां तक पहुंचना है हमको, सीसीएस तक पहुंचना है, वो मार्ग पे आप तभी तक नहीं चल पाओगे, है ना, पूरी शिद्दत के साथ, जब तक वो मार्ग आपने खुद के लिए खोजा नहीं होगा। तो इसके लिए कहते हैं डिस्कवरी ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ, यानी आध्यात्मिक मार्ग की क्या बोलते हैं, वो खोज होनी चाहिए, और वो खोज किसको करनी है, आपको स्वयं करनी है। तो उसके बारे में क्या बताते हैं, वो यहां पे हम लोग समझेंगे। यहां पे आध्यात्मिक मार्ग पर तब तक नहीं चला जा सकता जब तक इसे खोज न लिया जाए, ध्यान दें, इसे खोज न लिया जाए तब तक आप उस पर चल नहीं सकते हो। बिना आध्यात्मिक पथ को खोजे इस पर चलने के प्रयास में आंतरिक आनंद, प्रीति का तत्व क्या होता है, मौजूद नहीं होता। प्रीति चाहिए ना, कहा ना आपको, प्रीति का मतलब क्या होता है, वो लगाव, वो गहरी रुचि, वो आनंद जिससे हम लोग कोई कार्य करने में हम कार्य करते हैं, है ना, तो वो रुचि चाहिए ना। और आपने जबरदस्ती किसी मार्ग पे चलने की कोशिश की जो उस पर आपको रुचि नहीं है, तो सीसीएस तो बहुत लंबी यात्रा है भाई, आप 2 दिन भी नहीं कर पाओगे अभ्यास, तो सीसीएस तो बहुत दूर की यात्रा नहीं, इतने लंबे सफर पे आपको चलना है जो शायद जन्मों जन्म लग जाए, तो उसमें अगर आप किसी रेडीमेड मार्ग पे चलने की कोशिश करोगे तो आपकी प्रगति हो नहीं सकती। तो आपको ये मार्ग खुद को क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। आध्यात्मिक पुस्तकों में सिखाए गए नैतिक नियमों का अनुसरण करना मार्ग का मिल जाना नहीं है। ऐसा मत समझो कि भले ही जैनियों का भी हिस्सा एग्जाम्पल लेंगे, कोई भी पुस्तक ले लो, आध्यात्मिक पुस्तक यानी जैनियों का भी आता था उसमें, तो उसमें जो रेडीमेड मार्ग बताया है उसी का अनुसरण, यानी उसी के खाली हिसाब से चलना, यानी मार्ग का मिल जाना नहीं होता है, बल्कि यह केवल एक कोशिश है अपने जीवन को उस जीवन शैली में डालकर सीमित करने की जिसे इसमें बताया गया, जो इसमें बताया गया हम ट्राई कर रहे हैं कि जो इस किताब में दिया है ना, या हमारे योग प्रवेश में दिया है, हम उतना ही करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो हमको सूट होता है कि नहीं, है ना। अगर आपको हलासन जमता ही नहीं, आपको पीठ का विकार है, आपने हलासन करने की कोशिश की जो कि योग प्रवेश की किताब में दिया है, तो उससे क्या होगा, तकलीफ हो जाएगी, आप मार्ग पे आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, घुटने का प्रॉब्लम है, पीठ का प्रॉब्लम है, आप बोला सूर्य नमस्कार करेंगे क्योंकि सूर्य नमस्कार हमारे किताब में दिया है ना, हम उसको करेंगे, तो करने की कोशिश करोगे दूसरे दिन हड्डी टूट जाएगी, या तो जॉइंट मुड़ जाएगा, बैक में पेन शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपको सूटेबल हो उसी मार्ग को पकड़ना है और आगे बढ़ना है, सिर्फ किताब में लिखे लिखाए मार्ग को पकड़ के आगे बढ़ना नहीं होता है। इस निरानंद अनुसरण को असृजनात्मक अनुशासन कहा जाता है। निरानंद जिसमें आनंद ही नहीं आता है, सिर्फ आप चलने की कोशिश कर रहे हो, बस हमारे गुरु महात्मा ने कहा है ऐसा करो तो हम करेंगे, सुबह उठेंगे 5 बजे और करेंगे मेडिटेशन में बैठेंगे ध्यान, क्या कहते हैं, अमृत वेले में उठो, अमृत वेले में उठ के क्या करो, आंखें बंद करके सिमरन करो, गुरु महाराज ने कहा है ना, तो करने की कोशिश हम लोग करते हैं, लेकिन आधा टाइम अमृत वेले में सोए रहते लोग, क्यों, क्योंकि उसमें आनंद नहीं है ना। तो इसके लिए कहते हैं निरानंद अनुसरण में वो असृजनात्मक क्या है, अनुशासन, अनक्रिएटिव डिसिप्लिन, उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, बस कहा गया थोपा गया हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आनंद, उसमें प्रीति वो आपको मिलेगी नहीं। कहा जा सकता है जो जैन योगा की प्रीति यानी सृजनात्मक अनुशासन क्रिएट, जैन योगा में क्या है, आपको कहते नहीं कि फिक्स मार्ग पे चलो, आप अपना मार्ग ढूंढो और जो मार्ग आपको सूटेबल हो, जो आपकी वासनाओं से मैच करता हो,
उस पे चलो, उस पे चलोगे तो रोज नई खोज होगी, नई खोज होगी तो उसमें क्रिएटिविटी होगी, क्रिएटिविटी होगी तो आप बोलोगे ना मैं तो करूंगा ही भाई, मैं तो करूंगा ही, है ना। तो इस प्रकार से वो क्रिएटिविटी होती है, वो प्रीति जुड़ती है जो कि उस मार्ग में नहीं होती है, उसके बिल्कुल वो विपरीत है। क्योंकि वो एहसास जो आपको कुछ खोजने पर मिलता है या किसी खोज के मार्ग पर अपनी प्रगति देखने को मिलता है वो मौजूद नहीं होता है, है ना। कुछ खोजने में जो मजा आता है ना, है ना, कुछ खोजने में मैंने खोजा, ये मार्ग मेरा है क्योंकि मैं उस पर चल सकता हूँ, मेरे अनुकूल है, इसलिए कहते हैं स्वाध्याय का वैल्यू है। स्वाध्याय का वैल्यू क्यों बोला है कि अकेले करो अभ्यास, क्योंकि अकेले का फिक्स ग्रुप में किया तो आपको जो सब कर रहे हैं वही करना पड़ेगा, आपको उसमें आनंद आए या आनंद ना आए। लेकिन जब अकेले करते हो तो आपने खुद ढूंढा है उसको और आप अपनी मानसिक परिस्थिति के हिसाब से रोज उसको बदल सकते हो, है ना, तो उसमें क्रिएटिविटी रहती है, तो उसमें आनंद मिलता है और खुद की प्रगति देख के और खुशी मिलती है, अनुभव आएंगे और जब आप प्रगति देखो, अरे मैं तो इतने मस्त मजा आया आज सुबह को किया तो क्या आनंद आया, है ना, आज इतनी अच्छी अनुभूति आई जो कल भी नहीं आई थी उससे ज्यादा अच्छी अनुभूति आज आई। और फिर आप देखोगे कि अब मैं इस मार्ग पे चलता हूं तो मेरी प्रगति भी हो रही है, यानी जो मैं कुछ महीने पहले का तो इंसान था और आज का इंसान हो उसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो जब आप प्रगति देखोगे और आपको इंजॉयमेंट आएगी तो आप उस मार्ग पे आगे 100% बढ़ोगे जो आपने खोजा है। तो हर एक व्यक्ति के लिए क्या है, मार्ग भिन्न है। यहाँ पे हम लोग जो भी बैठे हैं 10-15 व्यक्ति, सबका क्या है, मार्ग भिन्न है और वो हमको खुद खोजना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति केवल उसी मार्ग पर चल सकता है जिसे उसने इस जीवन में खोजा है और जो ठीक उस वक्त की उसकी वासनाओं के क्या है, उसकी लाइकिंग्स, वासना यानी उसकी लाइकिंग्स, उसकी जो अच्छी लगती है चीजें उसके अनुकूल होते हैं तो उस पर वो चल सकता है। इस तरह के मार्ग पर हर चीज क्या होती है, स्वाभाविक और सहज, नेचुरल लगती है, उसमें कुछ आर्टिफिशियल होता ही नहीं है क्योंकि वो सहज है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को सूटेबल है ना वो, तो इसलिए मेरे लिए करने के लिए क्या होता है, और जो भी चीज सहज और स्वाभाविक होगी उसको करने में भी मजा आएगा और लोगों को मन में खुद लगेगा कि उठूं और ये अभ्यास करूं क्योंकि ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए बना हुआ है। जबकि दूसरे मार्गों पर उसे वो बनने पर विवश होना पड़ता है जो वो है ही नहीं, इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ते, इसलिए लोग आगे अभ्यास करते नहीं क्योंकि वो बनने की कोशिश करते हैं जो उनकी वासनाओं को सूट होता नहीं। तो मार्ग क्या है, क्या है मार्ग, मार्ग का तात्पर्य है वो स्पष्ट तरीका जिससे कोई अपने आप को किसी क्रिया के लिए सहज और स्वाभाविक अनुभव करने लगता है और उसका अभ्यास करता है। बस सिंपल, मार्ग वही सुटेबल है आपके लिए जिसमें आपको खुद को सहजता और स्वाभाविकता महसूस हो, और क्योंकि सहजता और स्वाभाविकता है इसलिए आप उसका रोज अभ्यास करोगे। अभ्यास करोगे तो क्या होगा, अनुभव आएंगे, अनुभव आएंगे तो क्या होगा, गहरी रुचि निर्माण होगी, गहरी रुचि निर्माण होगी तो किस मार्ग पे टिके रहोगे। इसीलिए लोग टिकते नहीं है भाई, ये होता नहीं है, ये क्रम चलता नहीं है, है ना, इसलिए लोग टिकते नहीं है, इसलिए लोग डांडी मारते हम बोलते फिर भी लोग आते क्यों नहीं भाई, हम लोग रोज कहते हैं उनको आना, आओ आओ योगा में आओ, 2 दिन आते हैं 4 दिन नहीं आते हैं, क्यों, क्योंकि वो उनको रुचि मिलती नहीं है, है ना, वो मार्ग उनको क्या है, रेडीमेड हम लोग थोपते हैं इसलिए उसमें उनको आनंद आता नहीं। तो मार्ग की खोज क्या है, मार्ग की खोज यानी पहले से ही कुछ ज्ञात चीजों के साथ नई जानकारी को जोड़ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको ही नया क्रिएट करना है, अरे आपको जानकारी मिली है, मैंने प्रवेश से कुछ सीखा, परिचय से कुछ सीखा, प्रबोध से सीखा, प्रवीण से सीखा, भगवान बुद्ध से सीखा, भगवान पतंजलि ने ये बताया, उन सबको जोड़ना है, वो सारी जानकारियों को इकट्ठा करना है, फिर उसमें नई जानकारी को क्या करना है, वो मार्ग जो रेडीमेड है वो रेडीमेड मार्ग को लो, उसमें नई जानकारी ऐड करो, यानी ये आपकी क्या है, मार्ग की खोज है। उसमें भी और रोज बदलना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि वो फिक्स हो, उसको भी आप रोज अपनी मानसिक अवस्था के हिसाब से बदल सकते हो। जैसे हमारी मानसिक संरचना दिन प्रतिदिन बदलती है वैसे ही मार्ग को दोबारा खोजने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो मार्ग आज है 1 महीने के बाद शायद वो मार्ग बदलने की जरूरत पड़े, न भी पड़े, अगर आप उसको सूट हो गए, आपको आपको लगता है कि बिल्कुल मेरे को परफेक्ट मार्ग मिल गया है और मैं रोज उसको करने में आनंद का अनुभव कर रहा हूं, तो शायद आपको मार्ग चेंज करने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैंने मार्ग बहुत बार चेंज किया, प्रवेश से परिचय से कहां कहां से कहां तक पहुंचा, और अब ज़ेनयोगा मिलने के बाद मार्ग लगता है एकदम स्थिर हो गया है, 2 सालों से उसी मार्ग पे चलने की जरूरत पड़ती है, कोई मार्ग बदलने की जरूरत
नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें मेरी वासना उसको सूट हो गई है और मुझसे उसमें अनुभव भी आ रहे हैं और गहरी रुचि उसमें क्या हो गई है, बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गई, निर्माण हो गया और मुझे मालूम है ये मेरा मार्ग मुझे कहाँ लेके जाएगा, मेरे लक्ष्य जिसका नाम है CCS तक पहुंचाने में सक्षम है। इस रोज खोजे गए नए मार्ग में क्या होता है, रोमांच है ना, वो मस्त उत्साह और रोमांच मौजूद होता है, जैसे किसी डिटेक्टिव सीरियल में सस्पेंस होता है। डिटेक्टिव सीरियल देखते तो क्यों देखते हैं हम लोग, इंटरेस्ट के साथ क्यों देखते हैं, क्योंकि उसमें एंड में मालूम है सस्पेंस खुलेगा, है ना, है ना, कौन चोर है, कौन किसने खून किया, तो वो सस्पेंस खोलता है तो हमारा उसमें क्या होता है, रोमांच मौजूद होता है। क्या जासूस का खेल भी कभी उभा हो सकता है, डिटेक्टिव बन के आप काम कर रहे हो किसी सीरियल में तो वो कभी उभा उसमें आता ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, रोमांच मौजूद होता है। हम खेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आध्यात्मिक जीवन एक खेल है, ये कोई पिसाई की चक्की नहीं है कि आपको बस पीसा जा रहा है और आप खुद को बस पीसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो पीसा हुआ तब महसूस करेंगे जब किसी के मार्ग का जबरदस्ती अनुसरण करेंगे, लेकिन मार्ग आपने खोजा है तो वो एक खेल के रूप में आपको लगेगा, कोई पीसाई की चक्की लगने वाली नहीं है। तो नीत्से है ना, एक बहुत बड़े विचारक, वो क्या बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन की व्याख्या करते हैं जैसे एक ऊंट, ऊंट क्या होता है उसके कंधे पे क्या रखते हैं, बोझा है ना, इधर पीठ पे क्या रहता है, बोझा रहता है बहुत, तो बोझा ढोने वाला जानवर जिसको कहते हैं पिसावट से एक बच्चा यानी खेलता हुआ बच्चा बना जैसा, यानी आपका आध्यात्मिक जीवन ऐसे ही होना चाहिए, ये बोझ ढोने वाला जानवर नहीं है भाई, ये बच्चे के जैसा खेलता हुआ मस्त मासूम चीज है, ऐसे रहोगे तो क्या होगा, मस्त करोगे, रोज अभ्यास करने में मजा आएगा, ऊंट के जैसा बोझा दोगे तो फिर तो आगे बढ़ नहीं पाओगे, तो उसको खेल के रूप में आप नहीं ले पाओगे, बोझे के रूप में लोगे। रोज नए खोजे गए मार्ग से वो रोमांच, वो रस, वो प्रीति मिलती है जो कि एक आध्यात्मिक रोमांच से भरे जीवन लाउसे को नैतिक कठोरता से भरे जीवन कन्फ्यूशियस से अलग करती है। दो विचारक, लाउसे और कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस का मार्ग क्या है, कठोर मार्ग है। कन्फ्यूशियस का मार्ग क्या है, कठोर यानी नियम वाला मार्ग, ये करना ये नहीं करना, और लाउसे ने क्या किया, फ्रीडम दिया है, जो आपको अच्छा लगे वो करो जिसमें आपका रोमांच मेंटेन हो। तो इसी तरह से वो दोनों को क्या करती है, अलग करती है। जिसमें प्रीति है वो लाउसे वाला मार्ग है, जिसमें प्रीति नहीं कठोरता है वो क्या है, कन्फ्यूशियस वाला मार्ग है। तो जो कन्फ्यूशियस का नैतिक अभ्यास है वो क्या है, निर्धारित शर्तों के साथ चलना, जबकि आध्यात्मिक रोमांच का मतलब है प्रत्येक मानसिक बदलती स्थिति के अनुसार क्रिया करना। जो लाउसे का मार्ग है, आपकी जो मानसिक स्थिति है उसके हिसाब से आप क्रिया करोगे तो उसमें रोमांच रहेगा, और वो जो कन्फ्यूशियस का मार्ग है वो कठोर मार्ग है, उसमें क्या होता है, निर्धारित शर्तों के साथ तुम ये करो तुम ये नहीं करो बस ऐसा ही करना है, तो वो बहुत कठोरतम जब होता है अभ्यास तो उसमें आदमी को रुचि, जैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं कहते हैं कि सदगुरु जी का जो कोर्स है इंडियन इंजीनियरिंग उसमें बहुत ही वो स्ट्रिक्ट है, तो कठोर है ना कि नहीं, मनोज जी यहाँ पे बैठे हैं वो बोल सकते हैं, तो वो कठोर जब नियम लगाते जाते हैं ना आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आदमी थोड़ा उस मार्ग पे टिक नहीं सकता है, उसको लगता है थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड फील होता है, रिस्ट्रिक्टेड आदमी को फील होता है, वो फ्रीडम नहीं मिलती है ना, कोई ऐसा खड़ा हो टीचर आपके लिए और ऐसे नहीं करना, छड़ी लेके खड़ा हो तो क्या करोगे आप, तो उसमें कोई आनंद समाया नहीं रहता है, तो इसलिए वही बोल रहे हैं यहां पे। नैतिकता के कठोर सिद्धांत है ना, नैतिक ध्यान देना यहां पे, नैतिक यानी जो कठोर सिद्धांत होते हैं नैतिक, नैतिकता के फिक्स रूल्स जो होते हैं उसके कठोर सिद्धांत जैसे होते हैं, वो सिद्धांत अवगुणों जैसे होते हैं, अवगुणों, अवगुण कैसे होते हैं, जैसे कि लालच अवगुण हुआ, ईर्ष्या घृणा आदि, वे दोषी ठहराते हैं किसी विशेष मानसिक अवस्थाओं को व्यक्तिगत स्थितियों का विचार किए बिना। वो सिर्फ दोष देते हैं कि इसकी ऐसी मानसिक अवस्था थी ना, तेरे मन में ये विचार, ये लोभ आया, तेरे मन में ये घृणा आई, उसी को दोषी ठहराते हैं। अरे क्यों आई, उस समय पे हमारी मानसिक अवस्था क्या थी उसका विचार नहीं करते कौन, ये कठोर सिद्धांत वाले यानी कन्फ्यूजन वाले लोग, भाई उस समय पे मेरी मानसिक अवस्था खराब थी इसलिए शायद मुझे ऐसा लोभ ईर्ष्या जागरूक हुई, लेकिन नॉर्मली मैं लोभी थोड़ी हूं, नॉर्मली मैं लालची नहीं हूं, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी आ गई जिसने मुझे क्या किया, मजबूर किया ऐसा करने के लिए। इस प्रकार उदाहरण के लिए नैतिक क्रूरता, नैतिकता क्रूरता को अनदेखा करती है जो उत्पन्न होती है एक पीड़ा सुखभोगी के प्रति क्रूर होने से इंकार करने में। पीड़ा सुखभोगी जिसको कहते हैं मैसोचिस्ट, मैसोचिस्ट का मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जिसको आनंद आता है अगर आप उसको क्या करो, तकलीफ दो,
ना, उसको हानि पहुंचा, उसको मारो। वो बोलते हैं मारो, मुझे इसमें क्या होता है, सुख मिलता है उसमें उनको सुख। तो ऐसा व्यक्ति जिसको मारने से सुख मिलता है, आप उसको प्यार करोगे तो क्या फायदा उसको, है ना। तो ये तो कठोर हो जाएगा ना उसके लिए, उसके लिए ऑन द कंट्री वो कठोर है। आप मारोगे तो वो उसके लिए ऑन द कंट्री मजा देगा, जबकि आप उसको प्यार करोगे तो उसको क्या हो जाएगा, वो कठोर महसूस होगा। तो इसी तरह से जो फिक्स नियम को फॉलो करते हैं ना, वो इसको अनदेखा करते हैं कि हम किसी के प्रति ऑन द कंट्री गलत कर रहे हैं, जबकि उसको फायदा किसमें, सुख किसमें होता है, कठोरता में सुख मिलता है, हम उसे ऑन द कंट्री प्यार करने का कोशिश करते हैं। जी के चेस्टर्टन ने अपनी छोटी छोटी कहानियों में रुचिपूर्वक दर्शाया है कि कितनी सरलता से गुण और अवगुण अपना पूरा अर्थ खो देते हैं जब वे अपनी खास परिस्थितियों में जिसमें वो घटित होते हैं अलग किए जाते हैं। गुण या अवगुण किस परिस्थिति में घटे, उसको अगर उसे अलग कर देंगे ना, तो अपना उसका पूरा वैल्यू खो देता है। उसका मतलब क्या है, गुण किसी में आपको लगता है सद्गुण है ना, सद्गुण को गए वो परिस्थिति के हिसाब से वो सद्गुण हो सकता है दिखता है, हो सकता है उसमें सद्गुण हो ही नहीं, है ना। हम जा रहे हैं एक ट्रेन में, ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे हैं और कोई भिखारी आता है और आपसे पैसा मांगता है। अब इज्जत को बचाने के चक्कर में भाई कोई लोग क्या कहेगा, ये आदमी 2 रुपया भी देता नहीं है, तो आप 10 रुपये का नोट निकाल के भिखारी को दे देते सबके सामने, क्योंकि क्या है आपको लगे नहीं कोई आपको कमेंट ना करे। तो उसका मतलब नहीं कि आपको वो सद्गुण है हमेशा के लिए आप करेंगे सबको दान देंगे, नहीं, है ना। इसी तरह से अवगुण, अवगुण जैसे क्या ले क्या है कि कम जो कोई ऐसी चीज चल रही है जैसे कोरोना आया है ना, उसमें किसी चीज का कुछ चीज कम हो गई यानी ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो माल मिल नहीं रहा है और उसके चक्कर में किसी को लालच आ गई मन में उस दौरान और उसने क्या किया कुछ माल अपने साइड में रखा और उसको ब्लैक मार्केट में भेजा। तो ये हमेशा तो नहीं करेगा ना, तो ये अवगुण दिखता है उसने उस टाइम किया, लेकिन वो अगर उस परिस्थिति से हम दूर लेके जाएं उसको तो वो अवगुण हमेशा के लिए उसके साथ रहता नहीं है। अब इस प्रकार से हमारे मन की प्रत्येक परिवर्तनकारी परिस्थिति के हिसाब से मार्ग को क्या करना पड़ेगा, पुनः खोजना जरूरी। जैसे मन की परिस्थिति आपकी बदलती है उस हिसाब से आपको मार्ग को नए नमूने से क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। यह एक डायनामिक यानी सक्रिय प्रक्रिया है जो बोरियत को हटा देती है। अरे वही 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 रोज करोगे तो उसमें डायनामिक पार्ट रहता ही नहीं है, वो सक्रिय प्रक्रिया रहती नहीं है, आप उसमें बोर हो जाते हो और बोर हो जाते हो इसलिए आगे उस मार्ग पे चलते नहीं हो। लेकिन अगर आप रोज बदलते हो अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से तो ये बोरियत को क्या कर देती है, हटा दिए। मार्ग की खोज एक यात्रा है, मार्ग की खोज क्या है, एक यात्रा है CCS तक पहुंचने की। यानी अगर आप डिस्कवर करते हो कोई मार्ग तो वो आपकी यात्रा वहां से शुरू हो जाती है आपके लक्ष्य तक पहुंचने की, और लक्ष्य है हमारा CCS तक पहुंचना। उस CCS तक पहुंचने के बाद ही कोई क्या हो जाता है, दीक्षित होता है। दीक्षित यानी जैसे कहते हैं ना गुरु से प्रति दीक्षा ली हमने, तो यहाँ पे कोई गुरु की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सहर्जी क्लियर कट बताते हैं जैन योगा का किताब का जो पार्ट में जो प्रैक्टिकल मार्ग दिए हैं पार्ट 1 में, वो आपके गुरु के जैसा काम करेगा, यहाँ पे किसी गुरु की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी चीजें आपको चाहिए उस CCS तक पहुंचने तक वो सारी चीजें इस किताब के पार्ट 1 में डॉक्टर सहर्जी ने पहले से ही लिख दिए। गुरु वैसे भी आप ढूंढ भी नहीं सकते हो, गुरु आपका कहाँ इंतजार कर रहा है मालूम है, कहाँ पे, वो नो मैन्स लैंड के उस किनारे पे गुरु आपका इंतजार करता है। गुरु यानी वो मास्टर जिसको कहते हैं अवतार, इसका नाम क्या बोलेंगे, वो अवतार, या कभी कभी महा अवतार भी नाम देते हैं। वो गुरु आपको नहीं ढूंढ सकता है ना, आपने आप गुरु को नहीं ढूंढ सकते हैं, गुरु आपको चुनेगा, लेकिन वो तब चुनेगा जब हम उसके क्षेत्र में जाएंगे, और उसका क्षेत्र यानी लोमेंस लैंड के उस तरफ। वो तो बेचारा खड़ा ही उधर इंतजार करता है, वो तो कितने सालों से हम सबका इंतजार कर रहा है कि कोई तो व्यक्ति होगा जो इस मार्ग पे खोज कर उस पे चलेगा, CCS तक पहुंचेगा और फिर धीरे धीरे प्रत्याहार यानी नोमैन्स लैंड को क्रॉस करके उस तरफ आएगा, और फिर मैं उसको क्या करूंगा, पिकअप करूंगा। क्योंकि आगे का मार्ग बहुत ही ट्रिचरस मार्ग है, डिफिकल्ट मार्ग है, वो धारणा ध्यान समाधि यानी Section 2B, 2 और 3 और 4 का मार्ग इतना आसान नहीं है, बिकॉज वहां पे आपको कुछ सिद्धियां मिलेगी और आपने भटकने का पूरा क्या है वहां पे चांस रहता है। जहां पे किसकी आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे CCS तक आपको खुद चलना है, उसके बाद आदमी दीक्षित हो जाए यानी उसको गुरु मिलता है, गुरु मिलता है यानी वो क्या हो जाता है, दीक्षित। और दीक्षित होने के बाद क्या होता है,
आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की यात्रा केवल ईश्वर की तरफ नहीं होती। ध्यान से सुनना, दीक्षित होने के बाद यानी आपको गुरु मिल गए, उसके बाद आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की यात्रा केवल ईश्वर की तरफ नहीं होती है, ईश्वर के साथ होती है। क्योंकि गुरु क्या है, आपके साथ हमेशा मौजूद रहता है, मास्टर कहते हैं जिसको कहते हैं। क्योंकि दीक्षित होने के बाद आप मार्ग पर अकेले नहीं चलते बल्कि स्वयं मास्टर क्या करते हैं, आपके साथ चलते हैं। प्लॉटिन है ना, प्लॉटिन क्या बताते हैं, आत्मा की दिव्यता की यात्रा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि यह अकेले से अकेले की तरफ उड़ान है। प्लॉटिन क्या बताते हैं कि आत्मा की जो यात्रा है, दिव्यता की यात्रा, उस डिवाइन मार्ग पे आपको जाना है तो उसकी यात्रा कहाँ है, अकेले से अकेले तक। यानी वो आत्मा भी अकेले है और जाना भी कहाँ है, उस परमात्मा तक, वो भी अकेला है। तो अकेले से अकेले की तरफ यात्रा कहते हैं प्लॉटिन, बहुत ही बढ़िया बताते हैं। हम जब अकेले होते हैं तभी हम उस मार्ग से एक हो जाते हैं जिस पर हम चलते हैं। अरे ग्रुप में बैठे रहोगे तो उस मार्ग से एक होने का चांस है ही नहीं, अकेले रहोगे तो उससे क्या हो जाता है, और कोई है नहीं ना आपका सपोर्ट, तो उस मार्ग पे जिस मार्ग पे आप चल रहे हो उससे क्या हो जाता है, एकदम आप एक रूप हो जाते हो। दिव्यता की रोशनी तक पहुंचने के लिए जो कि अकेली है, हमें अपनी खोज अकेलेपन की स्थिति से शुरू करनी चाहिए। इसलिए अकेलेपन का बहुत इंपॉर्टेंस है, स्वाध्याय करना अकेलेपन में करना, अकेलेपन को एंजॉय करना है। उसमें अगर आपको बोर्डम फील हुआ तो आप कभी भी वहां तक पहुंच नहीं पाओगे जहां आप तो जाना है। तो अकेलेपन को एंजॉय करना है क्योंकि ये अकेले से अकेले की क्या की तरफ यात्रा है। हम केवल तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की तरंग दूरी 0.00008 से लेके 0.0004 सेंटीमीटर के बीच होती है। सभी चीजें हमको नहीं दिखती है ना, प्रकाश की तरंग की दूरी इतनी होती है तभी हमको आंखों से क्या होता है, दिखाई देता है। बाकी सब चीजें क्या है, अदृश्य हैं। हम केवल उन्हीं ध्वनियों को सुन सकते हैं जिनके कंपनों की आवृत्तियां क्या है, 30 से लेके 2000 प्रति सेकंड है ना, हर्ट्स बोलते हैं उसको, हर्ट्स है ना, 30 से लेके 20000 प्रति सेकंड के बीच में होती है। और बाकी सब हमारे कानों के लिए क्या है, इसलिए हम लोग सब चीजें तो नहीं सुन सकते ना, ये जो रेंज में आती है वो हमें सुनाई देती है, वो जो रेंज में आती है वो हमें दिखाई देती है, बाकी सब अदृश्य है, बाकी सब क्या है, हम सुन नहीं सकते। जब हम इस प्रकार की मामूली आंकड़े, तो बहुत मामूली आंकड़े हैं ना, को विद्युतीय चुंबकीय तरंगों यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की श्रृंखला के साथ तुलना करते हैं जो हमारे आसपास में मौजूद है, तो वो कितनी है, वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 20 है ना, 20 किलोमीटर की तरंग दूरी की रेडियो तरंगे और से लेके 0.0000 तक मिलीमीटर ब्रह्मांडीय तरंगे, यानी जो ब्रह्मांड की तरंगे हैं वो इतनी सूक्ष्म हैं, और जो रेडियो तरंगे हैं है ना, रेडियो वेव्स हैं, वो इतनी हैवी हैं, 20 किलोमीटर की रेंज में चलती है। और हमारी रेंज कितनी है भाई, इतनी छोटी है सुनने की और देखने की, इसको कंपेयर करेंगे तो बहुत ही वो मामूली लगती है। यह प्रमाण है, यह प्रूफ है क्या, कि हम बहुत बड़े स्तर की घटनाओं के प्रति बहुत ज्यादा अकेले या अंधे और बहरे हैं, यानी हमको बहुत सारी चीजें हमको मालूम नहीं है, हम सुन नहीं सकते, हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम केवल प्रकाश हैं, ध्वनि की तरंगों की बहुत सीमित क्षेत्र के प्रति क्या है, हमारी आंखें और हमारे कान क्या है, संवेदनशीलता बहुत कम है। इसलिए हमको ये रेडियो वेव्स और जो ब्रह्मांडीय तरंगे हैं वो हमको समझ में नहीं आती है। ज़ेनोगा के द्वारा सही तैयारी से हमारी ये जो संवेदन ग्रहणशीलता है वो औसत से आगे बढ़ेगी। जब आप लैन योगा का अभ्यास करोगे, इसमें बताई हुई प्रैक्टिकल बातों का जब अभ्यास करोगे और इस मार्ग पे चलोगे तो आपकी ग्रहणशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जो अभी नहीं सुन सकते हो वो ध्वनियां भी आप सुन पाओगे, जो अभी नहीं देख पा रहे हो वो चीजें भी आपको दिखने लगे, क्योंकि आप ब्रह्मांड से क्या हो जाओगे, धीरे धीरे एक रूप होना शुरू हो जाओगे। प्रबोधन यानी जिसको कहते हैं ज्ञानोदय या तो आत्मज्ञान या तो एनलाइटमेंट, केवल तभी घटित होता है जब हम क्या होते हैं, अकेले होते हैं। समाधि में क्या है, आदमी अकेला ही है ना, है ना, अकेला होगा तो समाधि घटे। प्रबोधन यानी आत्मज्ञान यानी समाधि की अवस्था की बात कर रहे हैं, वो तभी घटता है जब हम अकेले होते हैं। फिर भी मनुष्य क्या होता है, अकेले होने से क्या होता है, डरता है, उसको बहुत डर लगता है, क्योंकि सामाजिक प्राणी है ना,
समाज में रह के देखा है ना, तो सारा दिन लगता है कि मैं किसी न किसी का सहारा, मुझे मेरे ग्रुप में रहे हम लोग तो क्या अच्छा लगता है। और अकेले होने की अवस्था से वो पलायन करने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, मैं अकेला नहीं चाहिए, आपको अकेले से डर लगता है, मुझे कोई चाहिए सहारा, इसलिए वो हमेशा दूसरे व्यक्ति को या किसी वस्तु को क्या करता है, ढूंढता रहता है। यदि आधुनिक आदमी को अपने मन को बहलाने के लिए अपने हाथ में कुछ नहीं मिलता तो वह अपने कौतूहल से कोई विषय खोज लेता है ताकि उसके मन को खुद के साथ अकेले रहने की आवश्यकता, यानी कुछ ना कुछ हम लोग ढूंढ, सबसे अच्छा साधन क्या है आजकल हमारे हाथ में, मोबाइल, अकेला रहने की जरूरत ही नहीं है, उसको ढूंढ लेता है, उसमें बहुत सारे पूरे वर्ल्ड से क्या हुए हैं आप जुड़े हुए रहते हैं एक साधन के माध्यम से, उदाहरण, अब वो कुछ ना कुछ सहारा ढूंढ लेते हैं ना अकेला बैठा तो क्या करे, तो एग्जाम्पल अभी 1976 की बात है जब ये किताब लिखी गई थी तब तो कोई मोबाइल नहीं था, तो उस समय पे क्या डॉक्टर सैयद जी अपना बताते हैं अनुभव, अकेलापन दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं, बिना किसी वास्तविक गंतव्य से एक कार को चलाना ताकि मन गाड़ी चलाने में क्या है लगा रहे, मनोज जी को बहुत एक्सपीरियंस है मस्त, उनका तो गंतव्य फिक्स होता है, हमको जब भी लोनावाला जाता है मनोज चलो लोनावाला चलो सुबह सुबह 5 बजे गाड़ी को लेके चलो, तो क्या है जब हम अकेले होते हैं ना तो किसी न किसी का सहारा ढूंढते हैं, सहारा ढूंढने के लिए क्या करते हैं, चलो भाई कोई गंतव्य नहीं कहाँ जाना नहीं चलो लो गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं है ना, यहाँ से पुणे तक जाके आते हैं और फिर रिटर्न आ जाएंगे है ना, तो क्या करते हैं आदमी को अकेलापन दूर करने के लिए इस प्रकार से रहता है, और वो इसको क्या लेबल करता है, हाँ भाई हम लोग आराम के लिए गए थे मस्त रिलैक्सेशन के लिए हम लोग क्या किया लॉन्ग ड्राइव पे चले गए। अकेलापन इस प्रकार के झूठे आराम के विरुद्ध वो अवस्था होती है जिसमें मन के पास कुछ भी पकड़ने को नहीं रहता, जब अकेले हो तो कोई मन को किसी चीज को पकड़ने के लिए होता ही नहीं है ना, तभी तो अकेलापन, और पकड़ने के लिए क्यों जरूरत है, क्योंकि आप अंदर में ही इतना इन्वॉल्व हो तो बाहर से किसी चीज को पकड़ने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। हमारे जीवन के अनुभव बहुत उथले होते हैं क्योंकि हम कभी कभार ही क्या होते हैं अकेले होते हैं, अकेले नहीं रहोगे ना तो जीवन के अनुभव आएंगे नहीं, और वो इसलिए वो क्या होता है उथले रहते हैं, इसलिए हमारा भी सब चीज़ों में क्या आता है इंटरेस्ट भी उथला रहता है, इसलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस आता नहीं है, इसलिए हमारी उन्नति होती नहीं, अकेला रहना सीखोगे तो उन्नति जरूर होगी। ये लास्ट स्लाइड आपको बताता हूँ इसमें डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल पाथ में ये बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी एक बार अगर जड़ पकड़ ले, अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी एक बार जड़ पकड़ ले यानी उसका पौधा इतना डीप हो जाए कि उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाए तो ये तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, लेकिन जड़ पक्की कब होगी जब हम इसका रोज अभ्यास करेंगे, रोज अभ्यास कब करेंगे जब इस मार्ग को खोजेंगे, उस अभ्यास को खोजेंगे जो हमारे लिए सूटेबल है, उसको डिस्कवर करेंगे तो मार्ग पे चलेंगे अनुभव आएगा। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, पतंजलि भगवान ने भी यही कहा है, सतु दीर्घ काल यानी लंबे समय तक निरंतर है ना, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो, श्रद्धा के साथ आप इस मार्ग पे चलोगे तो क्या हो जाएगा आपका मार्ग दृढ़, ये जो जड़ है ये जो पेड़ है वो दृढ़ भूमि हो जाएगी, इतनी पक्की जड़ पकड़ लेगी फिर आपको इससे कोई हिला नहीं सकता यानी आप अपने मार्ग पे हमेशा डटे रहोगे और फिर CCS तक पहुंचने के लिए आपके मार्ग की सारी रुकावटें क्या हो जाएगी दूर हो जाएगी, और कभी ना कभी हो सकता है अगर आपका तीव्रता जो अभ्यास किए अगर ज़्यादा तीव्र है तो कुछ ही सालों में डॉक्टर सैयद जी कहते हैं कि आप उस CCS को जरूर हासिल करते हो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए रोज़ अभ्यास करना पड़ेगा, और वो कैसे अभ्यास करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा उसका डिटेल मार्गदर्शन हमको आगे जाके डॉक्टर सैयद जी बताएंगे। हरिओम, थैंक यू।